ये जी कॉर्नर प्लॉट का घर। एक रास्ता वो है ईंटों के पीछे, दूसरा रास्ता इन ईंटों के पीछे। एक गड्डी खलोती हुई है, ऐ जी स्टोर रूम बने है। इस ज्यादा अच्छी बन रही है तो वैसे इन दिनों वेला है तो इन दिनों ये काम शुरू कर दे यहाँ पे। ये जी दूसरे लेंटर का सामान आया हुआ है सारा। स्विमिंग पूल की टैंकी, ये घर की मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस से सीढ़ियां हैं, एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे कमरा है, ये अम्मी का कमरा होगा, साथ अटैच बाथ और क्या कहते हैं इसको ड्रेसिंग, वो इस कोने पे, पहले कमोड उस कोने पे था, अब मैंने इस कोने पे करवा दिया। ये जी लकड़ी लेके आए हैं दियार, 1.5 लाख रुपए की लकड़ी है ये वाली। ये टीवी लॉन्च तो नहीं खा रही है, हॉल है, मेरे इंटरेस्ट का हॉल है। पहले किचन दिखा दो, जिसे कहते हैं ना मास्टर बेडरूम, ये मास्टर किचन है। ये जगह डिफ्रीजर वगैरह के लिए, फ्रिज के लिए, और ये डर्टी किचन। डर्टी किचन और साथ दरवाजा है। वापस निकलो, ड्राइंग रूम और डाइनिंग। ये ड्राइंग है, ये और ये डाइनिंग है। वापस निकलो, इधर से आ जाओ, ये टीवी लॉन्च है, खुला डुला और बड़ा पूरा टीवी लॉन्च। मेरी एक कमरा है उसके अंदर सामान काफी है और यहाँ पे अंधेरा है, ये बंद किया हुआ स्टोर बनाया हुआ है। ये दूसरी एंट्रेंस है, छोटा सा पाउडर रूम बनाया हुआ है, ये छोटा टॉयलेट होगा। दूसरी एंट्रेंस ये है, यहाँ भी दो गाड़ियां हमारी आ सकती हैं। ये साथ ही जो है ना लॉन है पूरा,
ये पूरा एरिया जो है ना लॉन का है, और ठीक ठाक लॉन है। लॉन के साथ ये जो खड्डा बना हुआ है ना, जहाँ पे दो पाइप लगेंगे, यहाँ पे वुजू करने की जगह बनानी है। पीछे वाला घर, सामने भी ना दो घर बन रहे हैं, धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब देखो लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा देता हूँ जाके। यहाँ से चिड़िया, सीढ़ियाँ से ये जो सारी जगह, ये पूरी जगह ये हॉल टाइप लॉन्च है, टीवी लॉन्च। हो सकता है यहाँ पे हम ओपन जो किचन चलते हैं ना आजकल, जिसका बाहर ही होते हैं, उस तरह का ओपन किचन बना दें यहाँ पे। ये राइट लेफ्ट पे चार कमरे हैं, दो के दरवाजे ये रहे, दो के ये। इधर से स्टार्ट करते हैं, नीचे भी सेम एज इट इज कमरा है। और ये बाथरूम बॉस ठुक ठुकाई कर रहा है, लगा हुआ है। ये रोज इधर आ जाते हैं, मास्टर बाथरूम। भाई कैसे हैं, कब तक हो जाएगा काम कंप्लीट? कल, कल तक, कल शाम तक जी। थोड़ा टाइम लगा दिया। ये थोड़ी खिड़की में डिजाइन भी है, बाकी तो स्पेस रखी थोड़ी एक्स्ट्रा। घर के मैं पांचवें कमरे में लेके आ रहा हूँ। इस कमरे में थोड़ा सा एक फायदा है कि यहाँ पे एक छोटी सी ना गैलरी है, टेरेस से ना बाहर निकल के बैठने की जगह है। और इसका ये बाथरूम जो है अच्छे साइज का है, बड़ा बाथरूम है। इधर भी आराम से जो है ना ड्रेसिंग अलमारी अच्छी बनेगी। चल आ जाओ घर के सातवें कमरे में। ये है गेस्ट रूम या स्टडी रूम, जो मर्जी कह लो। इसका बाथ थोड़ा सा साइड पे है, कमरे में नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी अल्ट्रेशन के बाद ये बाद में ये बाथरूम जो है, ये देखो जो बाहर निकला हुआ है, ये बाथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ से हम लोग अगर पीछे वाले टेरिस पे अगर आना चाहते हैं तो पीछे वाले टेरिस पे आके एक दो स्टेप उतर के, ये डिजाइन है छत के अंदर, ये टेरिस है पीछे का। ये ऊपर से हमें घर का लॉन नजर आ जाता है, ये टीवी लॉन्च का भी नजर आता है खिड़की, और ये ऊपर एक कमरे की भी खिड़की नजर आती है। यहाँ से चले जाते हैं वापस मेन टेरेस की तरफ। ऊपर तो तुम्हें छत में जो काम शटरिंग हुई हुई है, सारी शटरिंग हुई हुई है। कल नहीं परसों ऊपर का भी लेंटर डल जाएगा। नीचे का ये निजाम है यहाँ पे, और बाहर आ जाओ ये टेरेस आता है। ये सामने जो घर है ना ये वाला, हाँ ये शाम के ससुराल के रिश्तेदार तो नहीं, उनके जानने वाले हैं, इसके टूर से आए हैं। ये टेरेस है,
ये भी प्लम्बर का काम शुरू हुआ, उसकी पाइपलाइन बिछी हुई है। ऊपर से मैं वापस नीचे उतर के आ गया हूँ, अब मेरा दिल है कि लकड़ी वाले लगे हुए हैं। ये दरवाजों के साइड पर जो चौकाटें लगती है ना, वो बना रहे हैं। एक दूसरी मशीन की ये है, ये बाथरूम का कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये शान के जो है ना ससुराली है, उनके अस्क्री टू से आए हैं। ये साथ जो घर है गुजरा वाले वालों का, इन्होंने अच्छा किया है, बाहर पानी का कूलर लगाया हुआ है। ये स्टोर रूम दिखाता हूँ, छोटा सा स्टोर बनाया हुआ था। सारा पीछे अंदर पीछे तक सारा सीमेंट भरा हुआ है, ये हमने इससे पहले का लिया हुआ है। ये घर अभी ये फ्रंट ये नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत धूप की वजह से क्लियर नजर नहीं आ रहा। पीछे भी वो घर बन रहा है, कंप्लीट होने वाला है, हमारे साथ साथ ही वो भी बन रहा है। रोड कैसे ने लगाया बाप ने,